हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज एक मसीही अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि उसे कभी मरना ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में साफ साफ बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मरकुस 9:43 वचन से लेकर हम 49 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और न आग घुसती है, क्योंकि हर एक जन उस आग से नमकीन किया जाएगा। गलत सोच, गलत काम, विचार ये सब काट कर फेंक दो, ना कि आपको हाथ पैर काटना है। प्रकाशित वाक्य की 6:12 वचन में लिखा हुआ है, और जब उसने छठवीं मोहर खोली, किसने खोली? मेमने ने खोली, पर भी यीशु मसीह ने खोली, तो मैंने देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा कि एक बड़ा भुइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है, कौन ठहर सकता है। पृथ्वी पर जो बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, वे लोग मसीह विरोधी के दिन में कहेंगे वे लोग अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की खोहों में, दरारों में जा छिपेंगे, और मसीह विरोधी के दिन में कहेंगे उस 7 वर्ष में, और पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और चट्टानों से कहेंगे कि हमें दबा लो, ढांप लो, उस परमेश्वर के सिंहासन जो बैठा है उसके प्रकोप से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है। किसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है? अन्य जातियों के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा, कौन ठहर सकता है। प्रकाशित वाक्य 9:1 उसका 1 वचन से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसे अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गए, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, तड़पाने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसा बिच्छू के डंक मारने से होती है। किन दिनों में मसीह विरोधी के दिन में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। आपको 5-5 महीने लगातार बिच्छू डंक मारेंगे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी उनको बिच्छू डंक मारेंगे। 5-5 महीने लगातार आपकी हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए यीशु के साथ जरूर चलेना, यहाँ मत रह जाना। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तुम नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरे बॉडी से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर आपको करोड़ों सालों का जीवन पाना चाहते हो तो आपको ये सब गंदी लतें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे नहीं परमेश्वर में करोड़ों साल का जीवन दे देगा, अमर जीवन दे देगा, उसके लिए आपको गंदी लतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप एक मसीही हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज एक मसीही अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि उसे कभी मरना ही नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में साफ साफ बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो मसीही पाप करते हैं नहीं छोड़ते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह पाप करते रहिए, और मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी,
और फिर उसके बाद आपकी आत्मा वहाँ से निकालकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा और आपको वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे आपने व्यभिचार और गलत काम किया है। फिर परमेश्वर आपको वहीं पर डाल देगा जहाँ पर आग जलाएगी और कीड़े काटेंगे। नर्क में अच्छी बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पे पसीना छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं कि काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए। मगर आज हमारे मसीह भाई बहन ऐसे पाप कर रहे हैं और पाप करके अपने आका को खुश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे मसीही नौजवान ऐसे पाप कर रहे हैं और पाप करके अपने आका को खुश कर रहे हैं और परमेश्वर का सिर लज्जित कर देते हैं और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है और वह शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान के जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। वह मसीही उस शैतान के जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे भैया, जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आप शैतान को नहीं हरा पाओगे किसी भी तरीके से। अगर यीशु आज आ जाए और इसी तरह पाप कर रहे हो, अगर यीशु आपको छोड़कर चला गया तो आपका और बुरा हाल होगा कि आपको रोना भी नहीं आएगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत तड़पाया जाएगा। मसीह विरोधी के दिन में एक ही बार चांस दिया जाएगा स्वर्ग आने का। जो यीशु के साथ नहीं जा पाएगा उसका क्या हाल होगा? उसका बहुत ही बुरा हाल होगा। जो यीशु के साथ गया वो गया, और जो लटक गया वो गया हमेशा के लिए नर्क की झील में। नर्क में आग में जलना आसान बात नहीं है, शरीर में कीड़े काटेंगे उस दर्द को बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है। इसलिए बचा लो अपने आप को उस नर्क की आग से, लौट आओ यीशु के पास, वो आपको माफ कर देगा। जरा जरा सोचो, अगर यीशु आज आ जाए और अभी आ जाए तो आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आप यीशु के साथ स्वर्ग जा पाओगे? अरे यहीं लटक जाओगे। जो लटक गया वो गया हमेशा के लिए नर्क की झील में। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेके जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। बाकी सब यहीं रहेंगे जिंदा जलने के लिए, खून पीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल से स्वर्ग का कचड़ा साफ किया है शैतान लूसीफर को नीचे गिरा के, और वही कचड़ा बटोर कर परमेश्वर दोबारा स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है भैया, और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है, अंधेरे में किया है, गुप्त में किया है, खुले में किया है, यीशु ने देखा है भैया, अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन नर्क में ले जाएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। पहले तो 7 साल के लिए इस पृथ्वी पर तड़पाया जाएगा और फिर उसको उसके बाद उसको हमेशा हमेशा के लिए वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नर्क में डाल देगा। मरकुस 13:32 में लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है भैया, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। यहाँ पर यीशु मसीह के आने की बात हो रही भैया, क्योंकि वह किसी को उस विषय के बारे में किसी को नहीं पता, उस घड़ी के विषय में किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ठीक है भैया, ना तो स्वर्ग दूतों को पता है, ना तो पुत्र को पता है, केवल उसी को पता है जिसने यीशु मसीह को भेजा था। जैसा वह बादलों पर उठाया गया शरीर के रूप में, वैसे ही वह दोबारा वापस आएगा। इसलिए जागते रहो। यहाँ जागने का मतलब ये नहीं है कि भैया रात दिन जागते रहो, जागने का मतलब ये आत्मा में तैयार रहना है, वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है भैया, तैयार रहना है। जब यीशु मसीह आए तो हमारा मुर्दा जीवित हो जाए, यीशु मसीह जब आए तो उसके साथ जरूर चले जाना, यहाँ मत रह जाना। अगर जो जो यहाँ पर रह जाएगा उसका तो बहुत ही बुरा हाल होगा, ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है भैया, ठीक है। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।